तो दोस्तों हम आए हैं शमशान की तरफ पता करने कि लाशें रात में क्या बातें करती है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और पिछले ब्लॉग्स में अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने, तो आज है संडे, तो आज मुझे कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं करना था, मुझे ब्रेक लेना था, पर कल कॉलेज जाना पड़ेगा और वो प्रोजेक्ट मुझे आज ही पूरा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पढ़ाई तो नहीं करूँगा पर वो प्रोजेक्ट पूरा करूँगा अभी। उससे पहले मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा और अभी मैं छत पर बैठा हूँ। और मैं अभी आया हूँ अपने रिलेटिव्स के घर पर जहाँ पर काम वगैरह चल रहा है। तो बस देखिए यहाँ पे कितनी मस्त खुशबू आ रही है सीमेंट वगैरह की, मन करता है यहीं सुनता रहूँ सारे दिन। और हमें यहाँ पे छत पे मिला ये कुछ अलग सा अंडा, शायद पता नहीं क्या है। फाइनली ये असाइनमेंट पूरा हो चुका है और अब इसको बस जमा करवाना है कॉलेज में जाके, मतलब प्रिंट वगैरह निकलवा के। तो अभी तो सो जाते हैं क्योंकि रात के 1 बज चुके हैं बनाते बनाते, तो गुड नाइट। तो सुबह सुबह गाइस यहाँ पे पटरियों के पास काम वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे हथौड़े भी रखे हुए हैं, लगता है ये बलदेव का हथौड़ा है, वो यहीं पे भूल गया इसको। और ये देखिए गाइस ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितने ज़्यादा सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लोग हैं मेरे जैसे, और सब मुझे ही देख रहे हैं, शायद आप देख सकते हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं, सबकी नज़रें मेरी तरफ ही है, साफ साफ दिख रहा है। और अभी मैं बैठा हूँ बस में और आगे 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 बैठ गया हूँ मैं, अगर हल्का सा भी धक्का लग गया तो मैं आगे निकल जाऊँ। और ये देखिए यहाँ पे कोटा के होल्डिंग्स कितने ज़्यादा पड़े हैं भाई। तो देखिए गाइस ये मैं बस में बैठा हूँ और यहाँ पे अभी एरोड्रम निकल गया है और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और अभी रास्ता दिखाता हूँ मैं पूरा। तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में लफड़े चलते रहते हैं, मेरे साथ क्या हुआ कि कोई अनजान इंसान मेरे फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके तेरे रसोई योजना में खाना खा के चला जाता है और मेरे नंबर पे मैसेज आता है, तो मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ कि क्या सीन है भाई। और मैं अभी आया हूँ यहाँ पे कचौरिया ठोसने, और ये रही हमारी टेस्टी टेस्टी कड़ी कचौरी, तो उसको खाते हैं। और मैं अभी आया हूँ अपने कॉलेज में और मुझे अपने कॉलेज में बैग भी लेना है, तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठूँगा अभी थोड़ी देर। इतनी मस्त जगह है भाई, इतनी नरम है भाई, मज़ा आ गया। और गाइस ये है मेरा फेवरेट स्पॉट मेरे कॉलेज का, मैं यहीं पे वक्त बिताना पसंद करता हूँ। और ये रही हमारी लाइब्रेरी, यहाँ पे इतनी सारी किताबें देख के मैं नशे में आ चुका हूँ, लगता है मुझे चक्कर आने वाले हैं, मुझसे एक किताब तो ढंग से पढ़ी जाती है नहीं और मैं इन सबको कैसे पढ़ लूँगा। मैं ऐसे इंटरेस्ट की वजह से घुस गया था लाइब्रेरी में, अब मुझे बाहर जाना पड़ेगा यहाँ से। और ये देखिए गाइस ये है कोटा जंक्शन, और यहाँ पे देखिए कितना मस्त नज़ारा है, अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ तो भाई अंदर प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। और ये देखिए भाई कितना मस्त स्टेशन है, और अभी चलते हैं लाइन में टिकट लेने के लिए। और ये देखिए इधर मेला लग रहा है टिकट्स वगैरह लेने के लिए, देखो भाई बेचारे लोग। और मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में और ये रहा मेरा लावारिस पीक, और मैं खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म का आप लोगों को। यहाँ पे इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं कि मेरी जीप लप लप आ रही है, पर मैं बाहर नहीं निकलूँगा, मेरा टाइम हो चुका है ट्रेन का मतलब निकलने का। और ये आ गई हम सब की फेवरेट चंबल नदी, और अभी मुझे फिर से चाट खाने का मन कर रहा है, तो मैं एक और चाट चाटने आया हूँ मैं यहाँ पे, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है आज। मैं तेरे पकड़ो। तो ये रहा भाई शमशान का रोड, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड बाय।